Assalamualaikum students, I hope you all are good. So students, my today's topic is tricks to find oxidation state. Okay, जैसे कि आपको पता है कि oxidation की state क्या होता है. ठीक है, हम एक number है element को assign करते हैं chemical coordination में. ठीक है, और वो क्या करता है, आगे से number of electrons जो gain होते हैं उसको represent करता है और जो loss होते हैं उसको represent करता है. ठीक है, so students मैं अपनी video start करती हूँ, कुछ rules मैं आपके साथ share करूँगी. तो मैं first rule is, अब देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में होती है एलिमेंट की वो जीरो होती है. अब आपने पहला पॉइंट ये याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म या फ्री फॉर्म में जो होती है वो होती है जीरो. फॉर एग्जांपल लाइक, अगर मैं एग्जांपल लूँ लाइक ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें, क्लोरीन की के बाद एस एट और एक्स ई, इनकी एग्जांपल ले लें, ये फ्री स्टेट में होती है एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है. ओके, इसके बाद है अब जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी एलिमेंट्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनकी जीरो होती है. एंड अगर एक एलिमेंट है उस पर जो चार्ज है ठीक है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल में बात करूँ NaCl की मैं बात करूँ, तो NaCl हम सपोज करते हैं ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है. ठीक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है और अब यहाँ पर सोडियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस वन. अब यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की होती है माइनस वन. जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड तो ये हमारे पास आ जाता है ज़ीरो. इसका मतलब है कि जो न्यूट्रल कंपाउंड हमारे पास होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज़ीरो. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी आयन की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट. ठीक है, अब कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर सल्फेट है, इसके ऊपर है माइनस टू चार्ज. यही मैंने बताया ना, जो आयन होता है जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीजेशन स्टेट होती है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब कॉपर की आपने फाइंड करनी है, यहाँ पर कॉपर यहाँ पर सपोज कर ले एन प्लस माइनस टू. अब ये जो सल्फेट है इसके ऊपर कितना ओवरऑल चार्ज है माइनस टू. ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू प्लस टू. यहाँ पर जो ये आंसर है ये है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है. इसके बाद अगर मैं बात करूँ के अलावा मैं आपके साथ और एग्जांपल्स शेयर करती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डाई क्रोमेट आयन. ठीक है, अब ये है एग्जांपल Cr2O7-2. ठीक है, अब हमने अब यहाँ पर आप जब इसको अलग अलग करें, फॉर एग्जाम्पल आइक क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं दो और ऑक्सीजन कितने हैं वन एक दो तीन चार पाँच छः सात. ठीक है, ये होगी, इसको हम डिस्पोज कर लेते हैं एन और इसको भी डिस्पोज कर लेते हैं एन. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रोमियम की फाइंड करनी है, ये हो गया एन और ये हो गया टू एन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजेशन स्टेट होती है माइनस टू. ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर. इसके बाद हमारे पास ये है Cr2O7-2-. ठीक है, अब हमने यहाँ पर सी आर है इसकी जगह हमने पुट कर दिया टू एन. इसके बाद प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस टू, ये हो गया सेवन इज इक्वल टू माइनस टू. ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ओवरऑल जो आया था वो प्लस सिक्स आया और यही क्रोमियम है इस आपकी ऑक्सीजेशन स्टेट में. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट रूल नंबर टू. ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ ऑर्डर भी शेयर करूँगी. ठीक है, आपने वो रूल हमेशा याद रखना है. अब आपने याद रखना जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये एलिमेंट होता है उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कम होगी. इसके अलावा मीन्स माइनस में होगी. अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ठीक है, यहाँ तक हो गया. इसके अलावा मैं आपके साथ एक ऑर्डर शेयर करती हूँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ये ऑर्डर आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, ये है एक ट्रेंड हो गया और आपने ये ज़रूर ऑर्डर याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए. अगर मैं रूल नंबर थ्री की बात करूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करती हूँ और आपने वो ज़रूर याद रखनी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जो ग्रुप वन जो एलिमेंट होते हैं जो मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमेशा प्लस वन होती है. और यहाँ पर मैं अगर लिखूँ एक्सेप्शनल केस, ठीक है,
ठीक है, इधर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्रुप टू मेटल्स की बात करूँ, इनकी होती है प्लस टू हमेशा, लाइक इसमें आ जाते हैं बेरिलियम आ जाते हैं, मैग्नीशियम आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाते हैं, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, ये इसके में आ जाते हैं। और इसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप थ्री की बात करूँ तो इनकी प्लस थ्री ही होगी। इसके अलावा फ्लोरीन है, फ्लोरीन, अब फ्लोरीन की हमेशा माइनस वन होती है, ये पॉइंट आप नहीं आ सकते, और इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। इसके अलावा बात करूँ मैं ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजेशन स्टेट होती है वो होती है मोस्टली, यहाँ पे मैंने लव इस्तेमाल किया, मोस्टली माइनस टू। अगर एक्सेप्शनल केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं पर ऑक्साइड्स प्लस एफ टू ओ, ठीक है, जो पर ऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है माइनस वन, और जो एफ टू ओ और इसकी होती है प्लस टू, आपने ये बात याद रखनी है। इसके अलावा बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की भी मोस्टली प्लस वन ही होती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेटल हाइड्राइड, ठीक है, मेटल हाइड्राइड फॉर एग्जांपल लाइक एच टू ओ टू, इसके बाद एन टू ओ टू, ठीक है, इस केस में जो ऑक्सीजेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की होती है माइनस वन। अब क्लोरीन की मैं बात करूँ, क्लोरीन की माइनस वन होती है। सो स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर थ्री जो है यहाँ तक हो गया। अब आपने ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है, और इससे ऊपर जो रूल नंबर टू मैंने आपको बताया, रूल नंबर वन, वो भी याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लें तो ये एमटीकैट में भी बहुत मदद कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स में भी। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कम्प्लेक्स कंपाउंड की, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करते हैं। अब आपने एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं बताऊँ, ये जो होते हैं अमोनिया और ये वाटर, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा ज़ीरो होगी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, ठीक है। अगर मैं किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक सी आर एच टू ओ सिक्स थ्री पॉजिटिव, ठीक है, अब यहाँ पर हमने किसकी फाइंड करनी है, क्रोमियम की फाइंड करनी है, यहाँ पर हम पुट करेंगे एन। अब हम आपको पता है जो एच टू ओ है इसकी न्यूट्रल कंपाउंड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, यहाँ पर आपने पुट करें ज़ीरो मल्टीप्लाई सिक्स और यहाँ पर आ जाते हैं प्लस थ्री, ठीक है, तो इसकी जो ओवरऑल है वो है प्लस थ्री क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लाइक आपके पास है एन एच थ्री फाइव और ये भी, ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, अब आपको पता है यहाँ पर जो एन एच थ्री है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, ठीक है, लाइक अगर यहाँ लिखा हुआ कोबाल्ट, अब इसकी हमने फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पर इसको एन से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, इसके अलावा एन एच थ्री ज़ीरो, अब यहाँ पर जो हमारे पास है सी ओ थ्री कार्बोनेट, अब इसकी जो होती है वो माइनस टू होती है और ब्रोमीन है इसकी होती है माइनस वन, ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर पुट कर देनी है वैल्यू, लाइक एन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई फाइव प्लस माइनस टू इसकी, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है एन इज इक्वल टू प्लस थ्री। तो ये है कोबाल्ट की वैल्यू आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं रूल नंबर फाइव कुछ मैं यहाँ पर बाइनरी मेटल कंपाउंड्स की बात करती हूँ। अगर मैं इनकी बात करूँ फॉर एग्जांपल लाइक अब जो ग्रुप 17 है हमारे पास, और ये कौन सा ग्रुप होता है, हैलोजन्स का, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमेशा माइनस वन होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ ग्रुप 16, इनकी होती है माइनस टू, और ग्रुप 15 इनकी होती है माइनस थ्री। ये केस है, अब आपने ये केस भी याद रखने हैं जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो है, मैंने सिर्फ आपको पांच रूल बताने थे, इसके अलावा मैं आपके साथ और रूल्स भी शेयर करूँगी, ठीक है, तो अब आपने ये रूल ज़रूर याद रखने हैं, इंशाल्लाह ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।